53 बताया जा रहा है कि 53 लाइटें, वो लाइटें क्या थी, चमकती हुई लाइटें, ग्रामीण बहुत अचंभव थे, हड़कंप मच गया था, सब अपने मोबाइल वीडियोस बनाए थे, और क्या था वो? ये स्पेसएक्स कंपनी द्वारा लॉन्च की गई स्टारलिंक सैटेलाइट की एक सीरीज थी जिसमें 53 सैटेलाइट्स थे। हर सैटेलाइट पे अपना एक सोलर पैनल होता है जिससे वो एनर्जी को स्टोर करता है, और वो जो सोलर पैनल है उसी सोलर पैनल से सैटेलाइट को एनर्जी मिलती है। ये लो ऑर्बिट सैटेलाइट से, ये जो कि सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट सेवा मुहैया कराने के लिए लॉन्च किए गए हैं। मतलब हमारे मोबाइल में जो इंटरनेट इस वक्त चल रहा है, ये इसी इंटरनेट सेवा को और मजबूती देने के लिए इस तरीके का सैटेलाइट लॉन्च किया गया है, कह सकते हैं। एक्चुअली ये उन क्षेत्रों में इंटरनेट प्रोवाइड कराता है जिन क्षेत्रों में आपका ऑप्टिकल फाइबर की सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। इसकी हाइट जो है काफ़ी कम है, 550 किलोमीटर के आसपास है, तो इसलिए ये कह सकते हैं कि ये लो ऑर्बिट सैटेलाइट्स हैं। इस वजह से ये धरती के ज़्यादा करीब होते हैं। इनको करीब होने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ये धरती के जितने ज़्यादा करीब होंगे उतनी तेज इंटरनेट की स्पीड आपको मिलेगी, लेटेंसी उसमें बहुत कम होगी। लेटेंसी इंटरनेट की स्पीड के लिए है। जो ऊपर दिख रहे थे उसमें लाइटें भी थी जिसके वजह से सोलर पैनल पे कोई लाइट नहीं होती है। सोलर पैनल के ऊपर जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्शन के वजह से जो आपको नजर आता है तो आपको सैटेलाइट चमकती हुई नजर आती है, जबकि वो सैटेलाइट के सोलर पैनल से जो रिफ्लेक्शन की वजह से चमक रहे होते हैं। कितने सैटेलाइट्स हैं जो स्टारलिंक ने जोड़ा है इस वक्त? लगभग स्टारलिंक के 3500 के आसपास, 3300 टू 3500 के आसपास सैटेलाइट्स हैं, और जैसा लगभग 12000 के आसपास वो सैटेलाइट्स को वो लोग छोड़ेंगे। 12000 के आसपास, और जो कल दिखी गई उसमें कितने सैटेलाइट्स? 53 सैटेलाइट्स के बारे में बोला जा रहा है कि 53 सैटेलाइट्स थे उसमें, और वो ट्रेन इसीलिए दिख रही थी क्योंकि हर सैटेलाइट का खुद का सोलर पैनल होता है। मुझे मुझे एक चीज बताइएगा, जैसे कि कल जो खबरें आई हैं, जो हड़कंप मचा था रायबरेली से लेकर आगरा तक, बीच में उन्नाव, मैनपुरी, इटावा, इन सब जगह देखी गई थी, आगरा से आगे भी देखी, ऐसा तो खबरें आई नहीं कि आगरा से आगे देखी, तो उनका कोई विशेष रास्ता या रूट बनाए? हर सैटेलाइट जब भी अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाती है तो उसका एक पाथ होता है, और किसी भी सैटेलाइट के पाथ को ट्रैक करने के लिए हमें सिंपली अपने मोबाइल के सैटेलाइट ट्रैकर को ऑन करना होता है। किसी भी आप सैटेलाइट ट्रैकिंग एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करें तो उस पर आपको हर सैटेलाइट के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि किस समय कौन सा सैटेलाइट का पाथ आपके शहर के ऊपर से होके पास हो रहा है। तो अगर आप स्टारलिंक को सर्च करेंगे तो आने वाली 13 तारीख, 16 तारीख, 17 तारीख में भी आपको छुट्टी है कि आप इसको देख सकेंगे।